ओके, तो साइन इन द डाइजेस्ट हमारा हो चुका था और यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉलोइंग्स आर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर सिक्योरिटी। ठीक है, कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें डिजिटल सिग्नेचर पे ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहला है यहाँ पे द मिनिएचर वर्जन डाइजेस्ट ऑफ द मैसेज इज क्रिएटेड बाय यूजिंग ए हैश फंक्शन। ठीक है, हैश फंक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक मिनिएचर वर्जन क्रिएट करते हैं। मीन्स कोई भी एक बड़ा मैसेज का हम लोग छोटा वर्जन क्रिएट करते हैं। छोटा वर्जन मीन्स उसको हम लोग डाइजेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कुंजी, जैसे हम लोग बड़े बड़े नोट्स को छोटे से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समरी निकाल लेते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे बड़े से मैसेज को हम लोग क्या करेंगे, किसी छोटे मैसेज में हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और इससे किससे करते हैं, हम लोग हैश फंक्शन के थ्रू करते हैं। हैश फंक्शन जो होते हैं वो जनरली किसी भी एक वेरिएबल लेंथ मैसेज को शॉर्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन हैश फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे MD5 या फिर SHA-1। ठीक है, MD5 मतलब होता है मैसेज डायरेक्ट 5, ठीक है, और SHA-1 सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1। ठीक है, तो दो टाइप के मेथड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, द डाइजेस्ट इज एनक्रिप्टेड बाई यूजिंग द सेंडर्स प्राइवेट की। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि डिजिटल सिग्नेचर में जो मैसेज एनक्रिप्शन होता है वो प्राइवेट की से किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा डिक्रिप्शन होता है वो पब्लिक की से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनक्रिप्शन जो प्रोसेस किया जाएगा वो सेंडर्स का प्राइवेट की को यूज़ करके एनक्रिप्ट किया जाएगा किसी भी एक डाइजेस्ट को। ठीक है, मिनिएचर वर्जन जो हमारा रहेगा डाइजेस्ट, उसको क्या किया जाएगा, सेंडर के प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया जाएगा। आफ्टर द डाइजेस्ट इज एनक्रिप्टेड देन द एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट इज अटैच टू द ओरिजिनल मैसेज एंड सेंट टू द रिसीवर। जैसे ही डाइजेस्ट जो है एनक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है, जो एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है उसको अटैच कर दिया जाता है ओरिजिनल मैसेज के साथ और सेंड कर दिया जाता है रिसीवर को। ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, उस मिनिएचर वर्जन जो दिया हुआ है उससे क्या करेगा, वो उसको डिक्रिप्ट करेगा और जो भी मैसेज है वो रीड कर लेगा। द रिसीवर रिसीव्स द ओरिजिनल मैसेज एंड एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट एंड सेपरेट्स द टू। ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लेगा, जैसे ही वो रिसीव करेगा दोनों को सेपरेट करेगा। द रिसीवर इम्प्लीमेंट्स द हैश फंक्शन ऑन द ओरिजिनल मैसेज टू क्रिएट द सेकेंड डाइजेस्ट एंड इट ऑल्सो डिक्रिप्ट द रिसीव डाइजेस्ट बाई यूजिंग द पब्लिक की ऑफ द सेंडर। इफ बोथ द डाइजेस्ट आर सेम देन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी आर प्रिजर्व। ठीक है, जो ओरिजिनल मैसेज है और जो डाइजेस्ट है, ठीक है, डाइजेस्ट को सबसे पहले, डाइजेस्ट तो एनक्रिप्टेड है, डाइजेस्ट को क्या करना पड़ेगा, उसको पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डाइजेस्ट डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल मैसेज आया है उसको क्या करेगा, सेकंड डाइजेस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब सेकंड डाइजेस्ट वो कैसे क्रिएट करेगा, उसके पास अवेलेबल है पब्लिक की। ठीक है, और इस एनक्रिप्टेड मैसेज के साथ में आएगा उसका प्राइवेट की। ठीक है, तो दोनों की जो है वो सेम होने चाहिए, मीन्स जो एनक्रिप्टेड किया हुआ है और यहाँ से जो वो एनक्रिप्ट करेगा, जो ओरिजिनल मैसेज आया है वहाँ से, उसके साथ में एक उसका डाइजेस्ट आएगा, वो डाइजेस्ट और ओरिजिनल मैसेज को वो जो एनक्रिप्ट करेगा, दोनों के हैश फंक्शन सेम होने चाहिए, मीन्स दोनों की कीज सेम होने चाहिए। अगर दोनों के कीज सेम है, डाइजेस्ट सेम है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसकी वो मैसेज की ऑथेंटिसिटी मेंटेन की जा रही है और वो डॉक्यूमेंट जो है, वो मैसेज जो है वो ओरिजिनल मैसेज है, कोई भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं किया गया है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, इससे हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट की जो सिक्योरिटी वो बनी होती है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में अगर हम लोग और जाने, तो डिजिटल सिग्नेचर जनरली होता क्या है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर किया जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा आप लोग को लाइव दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाता है।
है, जैसे ये एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये किसी भी एक डॉक्यूमेंट में ठीक है, तो उस कहानी के पीछे एक छोटा सा यहाँ पे सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस सिग्नेचर की अगर हम लोग बात करें, तो ये सिग्नेचर अगर हम लोग कोई भी पीडीएफ जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि एडोब रीडर हम लोग यूज़ करते हैं, तो एडोब रीडर में भी क्या होता है, हम लोग को ऑप्शन मिलता है। जैसे कि ये मैं जो हमारा सिलेबस है मैंने उसको शेयर किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिल एंड साइन यहाँ मिलता है हम लोग को, ठीक है, और भी यहाँ पे हम लोग को सिक्योरिटी के भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं हम लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मैनेज डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे मिल रहा है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है परमिशन डिटेल्स, ठीक है, ये तो हम लोग फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई परचेज वाला वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिल जाते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के, ठीक है। तो हम लोग ये डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। लॉक करना मीन्स यहाँ के जो पूरे कैरेक्टर्स है उसको हम लोग एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जैसे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑप्शन मिलती है। तो फ्री वर्जन वाला है तो ये कुछ काम नहीं करने वाला है इसमें, ठीक है, लेकिन जब हम लोग लाइसेंस वर्जन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इस टाइप का जो डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, वो यहाँ पे लगाया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, ठीक है, या फिर जो हम लोग चॉइस सेंटर से हम जो जो डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, लाइक जैसे जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लीगल माने जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट जैसे शेयर्स है, शेयर्स पब्लिश करती है, ठीक है, शेयर से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, मनी मैटर से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है, या फिर कोई ऑर्डर निकालती है, कोई नोटिस निकालती है, ठीक है। तो अभी जैसे कोविड के टाइम पे यहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, ठीक है, कोई पेपर वर्क बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो उस केस पे उस ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हो रहे हैं, तो वो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पब्लिश हो जब हो रहे हैं, तो उसकी अथेंटिसिटी कैसे मेंटेन होगी, कैसे पता चलेगी कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसमें चेक करेंगे कि इस प्रकार का एक डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल उसमें होना चाहिए। अगर डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है तो क्या होगा, हम लोग समझ जाएंगे कि वो वेरीफाइड है और उसकी अथेंटिसिटी इंटीग्रिटी मेंटेन की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग इस सिग्नेचर से जान सकते हैं कि वो डिजिटली साइन किसके द्वारा किया गया है। जैसे यहाँ पे डिजिटली साइन बाय प्लॉट सॉफ्ट LLC, ये कोई भी एक कंपनी होगी, कब हुआ था, 2013 मई महीने में, ठीक है, पूरा डेट टाइम के साथ में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, रीजन आई एम द ऑथर, ठीक है, जैसे कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाया मैंने खुद लिखा है उसको, तो वहां पे लिख देंगे रीजन आई एम द ऑथर, लोकेशन है USA, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। अब क्यों सिक्योर करेंगे, ताकि उसमें कोई मैनिपुलेशन ना कर सके, कोई चेंजेस ना कर सके, ठीक है, उससे कोई फेक डॉक्यूमेंट ना बना ले, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका एक डिजिटल वर्जन है, ठीक है, वो डिजिटल वर्जन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उसमें भी इस प्रकार का एक डिजिटल सिग्नेचर लगाया गया है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारी और भी जो बुक्स वगैरह आती है, ठीक है, जैसे हम लोग अमेजोन किंडल यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग कोई गवर्नमेंट ऑफिसेस के पोर्टल्स देखते हैं, तो उसमें भी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे लोकल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वगैरह क्या करते हैं
स्कैन कर दिए और भेज दिए उसमें, क्योंकि फिजिकली साइन रहता है वो स्कैन किया हुआ कॉपी रहता है, ठीक है, उसमें डिजिटल साइन नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेंट्रल लेवल की बात करते हैं या फिर कुछ जहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको, उसकी अगर हम लोग बात करें, मीन्स हर किसी के पास वो सिंगल अलग अलग पर्सनली वो डॉक्यूमेंट जाना चाहिए, तो वो कैसे ऑथेंटिसिटी मेंटेन करेगा? तो डिजिटल सिग्नेचर से मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड क्या होता है कि आधार कार्ड जो होता है वो सिंगल पर्सन के पास अलग अलग होता है, मतलब उसकी डिटेल्स वो पर्सनल डिटेल्स होती है, तो वहाँ पे भी इस प्रकार का एक डिजिटल सिग्नेचर ऐड होता है जब ई आधार कार्ड हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार का एक छोटा सा, ठीक है, इस प्रकार का एक डिजिटल साइन किया होता है, ठीक है। अगर उसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा इसका मतलब समझ जाना कि वो वैलिड वैलिड नहीं है और वो अननोन सिग्नेचर है। सिग्नेचर तो उसने लगाया है लेकिन वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन उसका डिजिटल साइन बाय जो ओरिजिनल ऑथर है वो नहीं होगा मान के चल, ठीक है। जब सिग्नेचर अप्लाई हो जाता है तो यहाँ पे टिक आ जाता है, ठीक है। दोनों में डिटेल सेम मिलेंगी, यहाँ पे देखो डिजिटली साइन बाय DS लिखा हुआ है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइज अथॉरिटी ऑफ इंडिया 02 डेट ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार का जैसे ही उसको लॉक किया जाता है तो यहाँ पे ऐसे राइट का साइन बन जाता है। यस अंदर सर। साइड है, ठीक है, इस अंदर साइड है कंप्यूटर और यहाँ पे मैसेज जो भेजने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे हैश फंक्शन अप्लाई किया जाता है और डाइजेस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। जब डाइजेस्ट क्रिएट करते हैं और डाइजेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ए का प्राइवेट की यूज़ करेंगे, ए का हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्राइवेट की हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, और सेंड कर देंगे साइन डाइजेस्ट। साइन डाइजेस्ट मीन्स डिजिटल सिग्नेचर यहाँ अप्लाई करेंगे, मीन्स ये एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है, ठीक है, ये सेंड करेंगे और साथ में ये मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। अब ये साइंड मैसेज और ये ओरिजिनल मैसेज दोनों के दोनों सेंड होंगे, ठीक है, ये सेंडर साइड था, ठीक है, ये बी तक सेंड हो गया, ठीक है। अब रिसीवर साइड हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो यहाँ से ये मैसेज रिसीव कर रहा है, मैसेज प्लस साइंड डाइजेस्ट यहाँ पर रिसीव करेगा, ठीक है, मीन्स ये वाला जो मैसेज है इसको डिक्रिप्ट करेगा और ए का पब्लिक की यूज़ करेगा। यहाँ पे हम लोग जो देखे वो क्या यूज़ कर रहा था, प्राइवेट की यहाँ पे यूज़ कर रहा था एनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की यूज़ करेगा सेंडर का, ठीक है। इसको क्या किया, पब्लिक की यूज़ किया और डिक्रिप्ट किया, और यहाँ से हैश फंक्शन लगाएगा इस ओरिजिनल मैसेज पे, हैश फंक्शन यहाँ पे लगाएगा और ये दोनों को कंपेयर करेगा, ये डिक्रिप्ट जो किया है और ये हैश फंक्शन से जो जनरेट होगा डाइजेस्ट, ठीक है, दोनों को कंपेयर करेगा और देखेगा अगर दोनों सेम है तो ये ऑथेंटिक मीन्स दोनों ओरिजिनल है, ठीक है, मतलब जो डिक्रिप्ट डिक्रिप्ट यहाँ से किए हैं वो और ये हैश फंक्शन से जो जनरेट किया दोनों सेम होना चाहिए। दोनों सेम हुआ मतलब वो सिक्योर है, दोनों में ऑथेंटिसिटी मेंटेन की जा रही है और इंटीग्रिटी भी मेंटेन की जा रही है, ठीक है। तो इस डायग्राम में बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें।